जय हिंद। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मेरा जुड़ा है आपके अपने यूट्यूब चैनल से। ये बहुत सारे भाई परेशान है हाई जंप से, तो मैं अपना 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो भी भाई बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है तो हाई जंप पे ज़्यादा फोकस ना करें। अगर आप हाई जंप पे ज़्यादा फोकस करते हैं रनिंग छोड़ के, आपका पैर में दर्द हो जाएगा। जब तक आप हाई जंप मत कीजिए, कब तक? जब तक आपका टाइमिंग 1600 मीटर का टाइमिंग 5:45 नहीं आता है। अगर 5:50 भी आपका रनिंग आ रहा है 1600 मीटर का, तो आप वहाँ पर रनिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब आपका रनिंग 5:40, 5:45 लगने लग रहा है, तो आप हफ्ते में ज़्यादा दिन नहीं, आप हफ्ते में एक दिन और हद से ज़्यादा हाई जंप कीजिएगा तो 2 दिन। तो आज मैं 4 फीट बताऊँगा आपको जंप करके कितना दूर से करना है, कैसे टेकअप लेना है और रनवे कैसे सेट करना है, और हाई जंप करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। सभी लोग खुश हो? साथियों, सबसे पहले हाई जंप करते समय कैमरा में थोड़ा पास आओ। देखिए साथियों, ये आपका हो गया बार, और हाई जंप जब कीजिएगा तो आपको एकदम ये बार के मतलब जो बार है, बार से आपको 1.5 से 2 फीट की दूरी से जंप करना है। और जंप करते समय क्या करना है, आपको ये बार नहीं देखना है। सबसे पहले रनवे हम आपको करके दिखा रहे हैं। चलो इधर आ जाओ कैमरा में, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, इधर ही उधर से दिखाइए, हटो वालों। देखिए आ रहा है पूरा, देखिए ये आ गया, ये नॉर्मल तरीका से ऐसे। देखिए साथी, इधर आओ। देखिए साथी, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रनवे लेते हैं और इधर से स्पीड में जाने लगते हैं। अगर आप इधर से शुरुआत में स्पीड जाइएगा तो वहाँ जाते जाते आपका सांस फूल जाएगा, आपका बॉडी अप नहीं जा पाएगी। तो देखिए काम कैसे दौड़ रहे हैं। चलिए भाई थोड़ा पीछे हो जाए कैमरा में, देखने में कैसे कर रहा है ना। देखिए सेम आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए पूरा धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे, और फिर यहाँ से स्पीड आपको ऐसे करके ऐसे करते हैं। और सुनिए, पास पर लगे भाई, आप वहाँ पूछिएगा कि 1.5 फीट दूरी, मतलब कैसे पता चले कि 1.5 फीट कहाँ होगा, 2 फीट, ये होता है ना कन्फ्यूजन। आपको यहाँ पर खड़ा हो जाना, ठीक है? और ऐसे करके मतलब इशारा से कुछ भी ऐसे ही करके, ऐसे मिट्टी कुछ भी लेके वहाँ पे गिरा देना है। आपका जहाँ पाएगा और वहाँ पे करना है। और हटिए और बता रहे क्या करना है साथियों। चलिए चलिए, कोई दिक्कत। देखिए साथियों, जंप में क्या करना है, सीधा जंप में आपका अगर ये पैर निकल जा रहा है, ये बार पैर बस खींचना है। जैसे देखिए ये पैर निकल गया, ये ऐसे खींचना है, समझ में आ गया ना। अगर ये निकल जाता है तो ये बस ये खींचोगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए ये हो गया, ये ऐसे खींचना है, समझ आ गया ना। और साथियों देखिए एक और गलती, आप जंप करेंगे तो आपको कैसे गिरना है वहाँ पे, बहुत जैसे जंप करने के बाद पैर में दर्द हो जाता है। देखिए उधर जाओ थोड़ा भाई, जंप करने के बाद आपको ऐसे पूरा ऐसे घूम लेना, साइड पे निकालना है। अगर आप ऐसे खड़ा हो जाएगा तो पूरा दर्द होने लगेगा, समझ में आ गया? दिक्कत तो साथियों, जो भी भाई बिहार पुलिस के हैं, कम से कम 3 फीट 6 से स्टार्ट कीजिए, और हफ्ते में 2 दिन कीजिए हाई जंप, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। अगर आप 7 दिन लगातार कीजिएगा तो आपको बॉडी काम नहीं कर पाएगी और बॉडी आपकी उठ नहीं पाएगी, तब से हाई जंप नहीं होगा। चलिए अंदर पे आइए सभी लोग। तो जो भी भाई हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेक्निक देखें कैसे आपको हाई जंप करना है। अगर आप हाई जंप से परेशान हैं तो एक बार आइए हमारे एकेडमी और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।